दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक खास रेमेडी दे रहा हूं जो कि बहुत ही पावरफुली वर्क करती है। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी अगर विधि करते हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरत होती है आपके कंसंट्रेशन पावर की, आपके बिलीफ सिस्टम की। जितना स्ट्रांग आपका बिलीफ रहेगा उतना जल्दी रेमेडीज वर्क करती हैं। और तांत्रिक क्रियाओं में दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या फिर उस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी विधि वर्क नहीं करती है जब तक कि उस व्यक्ति के ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। यदि आप लोग काफी विधियां ट्राई कर चुके हैं और उस व्यक्ति का वशीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं और मुझसे विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके कॉल मेरे पास में आते हैं तो बताते हैं कि सर हमने यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, हमने पैसा दिया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। मैं हर वीडियो में आप लोगों को अलर्ट करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, 85% लोगों को तो तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं आती है और आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और फ्रॉड लोगों से दूर रहें, ठीक है। और आज की जो मैं विधि बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि तांत्रिक क्रिया वर्क कैसे करती हैं। एक मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। काफी लोग क्या होता है कि सिर्फ विधि कर लेते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है, मतलब विश्वास 50% होता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है। और जब डाउट आ जाता है तो ये चीज वर्क नहीं करती है। इसमें कनेक्शन होता है विश्वास का। लॉजिकली आपको समझाता हूँ। आप टीवी, यदि आप टीवी देख रहे हैं और उसमें आपको चैनल को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? रिमोट का सहारा लेंगे। तो रिमोट कैसे वर्क कर रहा है? रिमोट में क्या है? सेल डला हुआ है, ठीक है। और सेल के थ्रू क्या होता है, उसमें टीवी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो अगर आप रिमोट में से सेल को निकाल देंगे फिर आप चैनल चेंज करिए, चैनल चेंज नहीं होगा। बस यही कंडीशन होती है आपके और रेमेडीज के बीच में, बिलीफ सिस्टम जो होता है। अगर आपने बिलीव यानी विश्वास का अगर सेल अपने दिमाग में नहीं डाला है, ठीक है, तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक विश्वास का एक सेल आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद में ही रेमेडीज वर्क करेंगे। या आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। एक देश है जहां पर क्या होता है, पेड़ों को, वृक्षों को काटने से पहले कुछ लोग वहां पेड़ के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और पेड़ को बहुत ही गलत अफर्मेशंस बोलते हैं कि तुम बहुत मनहूस हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम पापी हो, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। 3 दिन तक पेड़ को बहुत ही गंदे गंदे वर्ड यूज किए जाते हैं और 3 से 4 दिन में वो पेड़ सूख जाता है तो उसको काट दिया जाता है। तो आपको यदि कोई ये प्रैक्टिकल करना है तो कोई पौधा या पेड़ देखिए। अब वहां पर क्या होता है, पेड़ में क्या होता है कि 8-10 लोग मिलकर के ये रेमेडी करते हैं। तो आपको क्या करना है, 11 दिन तक किसी एक वृक्ष को या कोई पौधा को बार बार उल्टे सीधे गंदे वर्ड यूज करने हैं। आप देखिए कुछ ही दिनों में आप उसको पानी भी दे रहे हैं, धूप भी मिल रही है, फिर भी वो पौधा या पेड़ सूख जाएगा। तो जस्ट यही कंडीशन होती है अफर्मेशंस की। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, यदि आप गलत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वैसे ही कंडीशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो किसी भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, और उसको आप चाहते हैं कि वो बरकरार रहे तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। जो भी आप बोलना चाहें कि मैं अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूं, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, या जो भी आप एकदम पॉजिटिव चीजें आपको बोलनी है। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है आपके चारों तरफ एक हिडन कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जैसे बोलते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड कुदरत जो आपको हर पल सुन रहा होता है। और जैसा आपके थॉट्स जाते हैं वैसे ही एनर्जी आपकी लाइफ में फ्लो करना शुरू कर देता है ना। तो आपको एकदम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। और आज की जो मैं रेमेडी बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, सिर्फ 1 दिन आपको करनी है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कंफर्म नहीं है तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं।
फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। और यदि ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी विधि कर रहे हैं, असमर्थ हैं, नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका रिजल्ट आपको 7 days, 11 days या 21 days में साफ साफ दिखाई देगा। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि एक दिन में, एक घंटे में, एक दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि ऐसे लोग फ्रॉड हैं, क्योंकि ये विधि जो होती है तांत्रिक क्रियाएं 7 days, 11 days या 21 days में ही रिजल्ट दिखाती है। आप किसी के दिमाग को चेंज कर रहे हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ला रहे हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति को आप थॉट्स चेंज कर रहे हैं, उसका खुद का भी एक दिमाग है, उसका भी एक सबकॉन्शियस माइंड है जो इन चीजों को काटता है। जब बार 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 इन चीजों को रिपीट किया जाता है, तो 7 days, 11 days या 21 days लग जाते हैं किसी के दिमाग को चेंज करने में। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे, ठीक है। और आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि बरगद का जो पेड़ होता है, अगर किसी सुनसान जगह में लगा हुआ है और जितना पुराना होगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बाई चांस आपको पुराना बरगद का वृक्ष नहीं मिलता है, तो कहीं भी कोई मंदिर वगैरह में वट वृक्ष देख लें, अगर पुराना देखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। इस क्रिया को आप सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में करेंगे, ठीक है। सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में, सूर्य अस्त ना हो पाए उससे पहले इसको आपको प्रयोग को कर लेना है। और नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को यदि लेते हैं, तो उस दिन जिस दिन प्रयोग करेंगे अवॉइड करेंगे, उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है उसको उतार देंगे, ठीक है। और स्वच्छ कपड़े पहन करके, क्योंकि देखिए बरगद वृक्ष जो होता है इसमें शिव शक्ति का वास होता है, और इस ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, शिव और शक्ति, तो आपको उन्हीं का सहारा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक दिया, अगरबत्ती और थोड़ा सा जल लेकर के आपको जाना है बरगद वृक्ष के पास में। बरगद वृक्ष में जल चढ़ाएंगे, दिया जलाएंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको 3 ताली बजाना है और वहां पर खड़े होकर के बोलना है कि यहाँ पर जो भी शक्तियां विद्यमान है कुछ देर के लिए यहां से चली जाए, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको जो जटाएं लटक रही होती हैं, आपको 2 जटाएं देख लेनी है, जटाएं जो लटक रही होती हैं, तो 2 जटाएं आपको देखनी है, ठीक है। और उसमें 1 गांठ लगाएंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे कि ये व्यक्ति मेरे, अमुक व्यक्ति मेरे लिए, उसका नाम लेते हुए मेरे वश में हो जाए, मेरे अनुकूल हो जाए। फिर 2 गांठ लगाएंगे, फिर यही बोलेंगे, फिर 3 गांठ लगाएंगे, फिर यही बोलेंगे बस। और ये याद रखना कि अपने गांठ किस जगह लगाई है, उसको बहुत ध्यान से आपको रखना है, ठीक है। और उसके बाद में जब क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो शिव शक्ति का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपने जिस भी कार्य के लिए इस प्रयोग को किया है आपको सफलता मिले, आपको आज्ञा दें। हाँ, लेकिन आप एक चीज याद रखें कि प्रयोग करेंगे तो आपके मकसद आपके जायज होना चाहिए, इरादे आपके नेक होने चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का मिसयूज करने के लिए अगर आप इन शक्तियों का सहारा लेंगे तो आपको बैकफायर भी कर सकती हैं। तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको इस प्रयोग को नहीं करना है, ठीक है। और जब ये आप गांठ उसमें लगा देते हैं, तो उसके बाद में फिर से 3 ताली बजाएंगे और उसके बाद में बोलना है जो भी शक्तियां यहां से गई हैं अपने स्थान में पुनः प्रवेश करें, अपने स्थान को ग्रहण करें। ये बोल करके बिना पीछे पलटे घर आपको वापस आ जाना है। 1 दिन का ये प्रयोग है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, 7 days तक, 11 days तक या 21 days तक थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। हो सकता है आपने बिल्कुल सही तरीके से किया है तो आपको 7 days से पहले ही इसका रिजल्ट मिल जाए। बाई चांस अगर 7 days में नहीं मिलता है तो 11 days में मिलेगा, 11 days नहीं तो 21 days में 100% इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि किसी व्यक्ति का पहले शिव वशीकरण है, तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी विधि वर्क नहीं करेगी। आपने यदि लाखों विधियां ट्राई कर ली है तो समझ जाइए कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये विधि करने के बाद में जब आपने कर लिया और जब आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपको लगे कि हाँ पूरा रिजल्ट मिल चुका है, तो उसके बाद में फिर से आपको उसी वृक्ष के पास में जाना है, ठीक है। और वहां जाकर के शिव शक्ति को आपको प्रणाम करना है और फिर से 3 ताली बजाना है। और 3 ताली बजाने के बाद में आपको वही रिपीट करना है कि यहाँ पर जो भी शक्तियां विद्यमान है कुछ देर के लिए यहां से चली जाए। उसके बाद में 3 गठानों को आपको खोल देना है, ठीक है। गठान खोल करके फिर से 3 ताली बजाएंगे, उसके बाद बोलेंगे जो भी शक्तियां हैं अपनी जगह में पुनः प्रवेश करें, अपने स्थान को ग्रहण करें, और उसके बाद में आप घर वापस आ जाइए। 1 दिन का यह प्रयोग है दोस्तों, और बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिणाम आपको देगा। बस पूरे विश्वास के साथ में रेमेडी को करिए, 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यदि आप लोग काफी विधियां ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए जानकारी को ढूंढ कर लाने में, आप लोगों तक प्रसारित करने में काफी मेहनत लगती है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें।
इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा, तो यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ, और आप लोग जब रेमेडी करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।